हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये बिगनर फ्रेंडली मेकअप लुक, जो कि बहुत ही इजी है एंड मैंने इसमें कोई भी फाउंडेशन या फॉल्स लेसेस यूज नहीं किया है। सो अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा हो और अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड अगर आप टीनेजर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बेसिकली टीनेजर्स के लिए ही ये लुक मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजर, एंड इतना सा लेके मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही ड्राई है, क्योंकि विंटर सीजन में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज करूंगी ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज करूंगी लैक्मे की सनस्क्रीन, एंड ये है 50 SPF, तो इसे भी मैं अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। नेक्स्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल पतंजलि का। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। सो आज मैं कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं करूंगी, मैं यूज करूंगी ओनली कंसीलर। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ क्रीम कंसीलर जो कि है NYB का, एंड मेरा शेड है इसमें गोल्डन। सो इसे मैं अपने यूजर एरिया अंडर ऑफ द आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड मेरे चिन पे, एंड जहाँ कहीं भी मुझे थोड़े से पिगमेंटेशन है वहाँ मैं यूज करूँगी। एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है सो फिंगर की हेल्प से भी बहुत ईजिली ब्लेंड होता है, मुझे इससे पिगमेंटेशन भी अच्छी मिल जाएगी। सो मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से, मेबलिन की कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सेट कर लूंगी जल्दी से। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को थोड़ा सा शेप दूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ NYB का ये कॉन्टोर स्टिक। इसमें मेरा शेड है टॉफी। नेक्स्ट मैं अपने नोज को कंट्रोल करूंगी। सो
नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रेट करकी के मिनी लिपस्टिक में से ये शेड नंबर 8। सो इसे मैं अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करूंगी। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आईज की तरफ। सो फर्स्टली हम अपने आईज को करेंगे कंसील। एंड मैं इसे सेट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है कपल लसेस का दैट सो मी पैलेट। सो इसमें आपको हर एक टाइप का कलर मिल जाएगा, लाइट डार्क। सो मैं इसमें से लूंगी ये लाइट ब्लू शेड जिसका नेम है स्वीट। तो इसे मैं अपने ओवरऑल आईलिड पे अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं ये ग्रे शेड लूंगी, स्मोकी विंग ड्रॉ करूंगी। नेक्स्ट मैं सेम करूंगी अपने लोअर लैश लाइन में भी। एंड ये जो ब्रश है ना, ये बहुत ही काम का ब्रश है। इससे आप आईब्रो फिल कर सकते हो, लाइनर लगा सकते हो, मतलब बहुत काम का। अपने लोअर लैश लाइन पे अगर आपको ऐसे ब्लैक कलर वगैरह लगाना है बहुत ही एकदम लैसेस के क्लोज तो आप इस ब्रश से लगा सकते हो। सो बहुत अच्छा ही है। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी यूजिंग द सेम ब्रश। देन मैं स्पूली की हेल्प से अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूंगी। सो नाउ आई जस्ट कर्ल माय आईलैशेस। सो मैं अच्छे से अपने लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करूंगी 2 से 3 कोट, क्योंकि मैं कोई भी फॉल्स रिज अप्लाई नहीं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है लैशेस में। सो फॉल्सेस अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। सो इसे मैं अपने यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई करूंगी, जैसे कि चिक बोन्स, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड, चिन पे, नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी। एंड आप अपने ब्राउ बोन को बिल्कुल ना भूलें। सो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया एस्ट्रो करके की लिपस्टिक्स में से ये शेड नंबर 10। सो ये एक बहुत ही प्यारा सा डार्क पर्पल शेड है।